दोस्तों हम सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, लेकिन उसको सेफ कैसे रखा जाए ये हम नहीं जानते, और कोई भी हमारा फेसबुक अकाउंट हैक कर सकता है या फिर कर लेता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम एजाज और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाएँ और कैसे सुरक्षित करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको सावधान रहने की ज़रूरत है फिशिंग से, आपको फिशिंग से सावधान रहना चाहिए। फिशिंग क्या होता है दोस्तों, हैकर आपके फेसबुक अकाउंट पर अटैक करने के पहले वो एक ऐसा पेज डिज़ाइन करता है जो कि सेम टू सेम फेसबुक जैसा होता है, लेकिन वो फेसबुक नहीं होता, जिससे हम फिशिंग कहते हैं। हैकर आपके फेसबुक अकाउंट पर अटैक करने से पहले वो आपके फेसबुक मैसेंजर बॉक्स में एक ऐसा फेस लिंक सेंड करता है, और अगर आप उस लिंक को फॉलो करते हैं तो आप एक फेक पेज पर विजिट हो जाओगे और आपको लगेगा कि आप फेसबुक पर ही हो, और उसी पेज पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा जो कि बिल्कुल फेक होगा। और अगर आप उस पेज पर लॉगिन करते हैं तो आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड हैकर के विक्टिम के सर्वर में सेव हो जाता है और वो आपका आईडी हैक कर सकता है, और इस तरह से आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर ये आप लोगों ने व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुप्स में देखा होगा, कह के मैसेज में आता है कह के ये वाला फ़ोन सिर्फ 500 रुपये में या 500 रुपये का रिचार्ज फ्री में, ऐसी जो लिंक आपको आती है उसको आपको क्लिक करोगे तो आपने देखा होगा बहुत बार फेसबुक विजिट का पेज खुल जाता है और फेसबुक वहाँ हमसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग के लॉगिन करने को बोलता है। ऐसे किसी साइट पर आप लॉगिन ना कीजिए, क्योंकि अगर आप लॉगिन करते हैं तो उनका आपका पासवर्ड और वो सब उसमें सेव हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको और देखिएगा कि अगर वेबसाइट जो है उसकी आगे क्या लिखा हुआ है, HTTP है या HTTPS है। अगर HTTPS है तो आप उसमें कर सकते हैं, वो सुरक्षित है, लेकिन HTTP है तो ये सुरक्षित नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। और कोई भी डाउट हो आपसे रिलेटेड, फिशिंग से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हैकिंग से आपने अपने आपको बचाने के लिए आप कोई भी ऐसा लिंक क्लिक नहीं करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके मैसेज बॉक्स में आया हो और फेसबुक यूजिंग के टाइम फेसबुक URL में www से पहले ये ज़रूर चेक कीजिए वहाँ HTTPS आ रहा है या नहीं। अगर वहाँ HTTP आ रहा है तो समझ लीजिए एक फेक पेज है, और HTTPS है तो आप एक सिक्योर वेबसाइट पे है, वो वेबसाइट बिल्कुल जेन्यून है। अगर आप गलती से कोई ऐसा लिंक खोल भी देते हैं तो आप वहाँ कोई भी लॉगिन वाली जगह पर अपनी लॉगिन डिटेल ना इंटर करें, और आपने वेब ब्राउज़र को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हमेशा रखना है, क्योंकि ब्राउज़र फिशिंग स्कैम को पहचान लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है। दोस्तों दूसरा तरीका है फेसबुक अकाउंट से आपको हैक करता है जिससे आप बच सकते हैं, वो ये है कि की लॉगर। दोस्तों फिशिंग के बाद हैकर ज़्यादातर की लॉगर टूल का यूज़ करते हैं। की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कीबोर्ड से टाइप किया हुआ वर्ड को अपने सर्वर में सेव कर लेता है। यदि कोई हैकर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में की लॉगर सॉफ्टवेयर डालकर उसे हाइड कर देता है तो हैकर को आपके अकाउंट को हैक करने में एक मिनट भी नहीं लगेगा, और वो आपके सिस्टम से आपकी सारी पर्सनल डिटेल चुरा लेगा। दोस्तों हैकर द्वारा इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर की लॉगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल के कीबोर्ड पर पूरी नज़र रखता है, और आपके द्वारा टाइप किया गया कोई भी वर्ड की पूरी जानकारी हैकर को मिलती रहती है, और इस टाइप की हैकिंग के पीछे आपके नियर कोई भी हो सकता है जिसको आप जानते हो, जिसने आपका अकाउंट हैक किया हो, क्योंकि कोई आपके अकाउंट कंप्यूटर की लॉगर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे, तो वो आपके सर्कल में ही रहने वाला बंदा हो सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं की लॉगर से बचे कैसे। दोस्तों की लॉगर हैकिंग से सेफ रहने के लिए आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर किसी को भी यूज़ ना करने दें। अगर कोई यूज़ करता भी है तो आप अपने सिस्टम या मोबाइल में ये ज़रूर चेक कर ले कि क्या इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है या नहीं, और अपना फेसबुक पासवर्ड समय समय पर ज़रूर चेंज करते रहे, और अपना कंप्यूटर में पेड एंटीवायरस यूज़ करें और स्कैन ज़रूर करें, इससे आप की लॉगर से बच सकते हैं। तीसरा जो हमारा यूज़ करते हैं लोग हैकिंग करने के लिए, वो ये है पर्सनल जानकारी ऑनलाइन शेयर करना। दोस्तों हम कई बार गलती से पर्सनल जानकारी ऑनलाइन शेयर कर देते हैं, लेकिन उसी से भी हमारा अकाउंट हैक हो जाता है, इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। दोस्तों आपने पर्सनल लाइफ का रिगार्डिंग सोशल साइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट आईडी, जैसे हैकर आपके अकाउंट को हैक कर सके, क्योंकि फेसबुक यूज़र ज़्यादातर पासवर्ड किसी का नेम या मोबाइल नंबर जैसे कॉमन शब्दों में पासवर्ड बनाते हैं, जिसको हैकर थोड़े से टाइम में आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, तो इस बात से ज़्यादा सावधान रहिए।
ज़्यादातर लोग पासवर्ड ऐसा बनाते हैं दोस्तों जिसमें फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम या मोबाइल नंबर हो, या किसी का डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं यानी कि जन्म तारीख रख देते हैं, या किसी का रोल नंबर हो, या कोई हैकर आपके अकाउंट को हैक कर लेगा इस तरह के पासवर्ड से। तो हैक से पहले आपके बारे में जानकारी पता करते हैं ये सब हैकर, और फिर आपके फेसबुक अकाउंट पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं आपकी जानकारियों के बेसिस पर, जिससे आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है। तो आप इससे भी सुरक्षित रहिएगा, इसलिए आप ऐसा पासवर्ड बनाओ जो बिल्कुल हटके हो और कोई भी सोच ना सके। और आपको पासवर्ड ऐसा बनाना चाहिए जिसमें अल्फाबेट, नंबरिंग और सिंबल हो। इनसे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। और आप किसी भी प्रकार की अपनी पर्सनल डिटेल ऑनलाइन शेयर ना करें, ऐसा करके आप अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट जरूर करें।